पल वहां है। गुड इवनिंग नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग हुआ। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब कहां तक बताए थे वो? आवाज थोड़ा ठीक करो जी। गुजरात का क्वेश्चन वगैरह हो गया था, पढ़ा रहे थे गुजरात। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे भाई? गुजरात। ये एरिया क्या कहलाता है? कच्छ। ये सौराष्ट्र। ये क्या कहलाता है? कच्छ। ये सौराष्ट्र कहलाता है। यहां पर आपको नीचे में सूरत मिलेगा, ऊपर में भरौच, यहाँ पे गोधरा। गोधरा ट्रेन जो जला दिया गया, उसके बाद क्या हो गया? अहमदाबाद में दंगे फसाद हो गए। ऊंझा वार्ड नगर किस लिए था? नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के जो जन्म स्थल थे। पालनपुर बहुत ज्यादा डेवलप सिटी है, वहां से पोर्ट वगैरह जुड़े हुए हैं, बंदरगाह वगैरह, वहां से ट्रेन लाइन जाते हैं। गुजरात का चीज बता दिए थे। ये बताइए तो ये कौन सा पहाड़ होगा? गीर पर्वत। कौन पर्वत? गीर पर्वत। गीर राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत पर है, यहाँ शेर के लिए फेमस जगह है। ये खाड़ी कौन सी है? खंभात। ये खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भैया? कच्छ की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी जगह है। देखिए कोई जगह पे अगर समुद्र मिल जाता है ना, तो वो जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपको समुद्र से नमक मिल जाएगी, मछलियां मिल जाएंगी, पर्यटक जगह घूमने वाले ऐसे मिल जाएंगे, इंटरनेशनल व्यापार के लिए मिल जाएगा, आपके यहाँ इंडस्ट्रीज ऐसे ही लग जाएगी, पानी वाली जहाज आएगी तो बिगड़बे करेगी, उसकी मरम्मत का मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं उनसे छीन ली जाती है जिनके अगल बगल में समुद्र नहीं है। हम लोग के यहाँ बिहार में समुद्र है? यूपी बिहार ही सबके पास कोई समुद्र नहीं है, जिस वजह से यह थोड़ा उतना डेवलप नहीं हो पाते। हालांकि उड़ीसा में भी देखिएगा, बहुत पिछड़ा राज्य है उड़ीसा भी, बहुत ज्यादा डेवलप। यहाँ पे में भी डेवलपमेंट उतना नहीं है, बट जो इसका कोस्टल एरिया है बहुत डेवलप है। तो कोस्टल एरिया भी अच्छे होते हैं सर डेवलपमेंट के मायने में। गुजरात में क्वेश्चन वगैरह बचा हुआ था, बाकी सब बता दिए थे। राजस्थान का भी क्वेश्चन बचा था। राजस्थान के हो गए थे, गुजरात के बताने आ जाए भैया। गुजरात पेज नंबर कितने पे है? गुजरात 50 नंबर क्वेश्चन, 49 जो है कच्छ उसमें भरवा दिए हैं। क्षारीय मरुस्थल, जंगली गदहा। क्वेश्चन आते हैं किस बार? गुजरात वाले का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए। गुजरात के क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ जिला का मुख्यालय क्या है? हाँ, भुज। ज्योग्राफी बैच के अनाउंसमेंट कितने तारीख को किए हैं? 11 को किए हैं। कौन दिन पढ़ रहा है उस दिन? दिन कौन सा पढ़ता हूँ ज्योग्राफी का? 11 को ज्योग्राफी, शाम को अगर होगा 11 को ज्योग्राफी, 5 बजे आपका मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा 11 को, शाम 5 बजे ज्योग्राफी। सही सुनाई नहीं दे रहा है। वर्ल्ड, वर्ल्ड नक्शा, इंडिया खत्म होगा वर्ल्ड हो जाएगा। क्वालिटी चुप एकदम। चल यहाँ क्वेश्चन देखो, ऐप पर भी रहेगा, हाँ एप्लीकेशन पे भी है। जो बैच देखो, जो यहाँ रहेगा वही ऐप पर रहेगा, वही लाइव सेंटर में रहेगा, सब जगह होगा। चलो देखो ध्यान से, इधर 5 बजे शाम को, तो सुबह आएगा 5 बजे।
छह बजे बोले थे। ए शांति से रहो। कच्छ का रण, कच्छ के रण में कौन जानवर पाया जाता है? जंगली गधा। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरुस्थल। कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र है? भूज, भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। 26 जनवरी को आया था 2001 को। गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? सर क्रीक। कौन सा जगह सर? क्या ये विवादित है कि जानबूझ के अटकाता हो? ले पाएगा सर क्रीक। कराची चल जाएगा ये संभव है। गुजरात का कौन सा हो गया? गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना? जामनगर में बहुत बड़ा रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, जिससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, पेट्रोलियम डीजल ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन। 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा? सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का। अभी सोमनाथ मंदिर कहाँ? बनारस। काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ। कामाख्या मंदिर कहाँ? आसाम में। बद्रीनाथ तो उड़ीसा, उड़ीसा का उत्तराखंड, उड़ीसा नहीं उत्तराखंड। उड़ीसा वगैरह में तो सूर्य देवता का मंदिर है, कोणार्क वगैरह। नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर। नमक अनुसंधान केंद्र पोत भंजन यानी तोड़ने की व्यवस्था कहाँ पे है? भावनगर में। चश्मा वाला बताओ, भावनगर में किस जगह पे? अलंग। चश्मा वाला आगे बैठ गया, इसको पता ही नहीं है। सूरत में किस जगह पे कपड़ा मिलता है? हाँ, याद देख रहा है। रिंग रोड कपड़ा वाला याद है? अलंग बोले भावनगर का तो नहीं याद था। सुनाई नहीं दे रहा है? तो दिमाग कहीं और रहेगा तो सुनाई देगा। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिली है। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत। किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम तक था? वही जूनागढ़ अभिलेख। देखो भैया, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार का शासक था, और जूनागढ़ में जाके इसने सुदर्शन झील बनवाया है, तो इसका मतलब इसका साम्राज्य पश्चिम तक था। ये हिस्ट्री 15 छूट गया। जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का नाम है? तीन। देखो भैया, यहाँ देखो मेरी ओर, तीनों का नाम नहीं है क्या इसमें? चलिए देखिए, यहाँ सब लोग मेरी ओर देखिए। ये है गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र बोलते हैं। यहाँ सुदर्शन झील बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उसने ना अभिलेख लिखा ना इस बात की जानकारी दी। तो चंद, इसके बाद आया रुद्रदामन। कौन आया? रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन उसमें इतनी इंसानियत थी कि उसने अभिलेख लिखा और उसमें ऊपर लिखा कि इस झील का निर्माण मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मैं रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूं। तो कितना लोग का नाम आ गया? दो लोग। इसके बाद ये आगे चल के झील और टूट गया। गुप्त वंश के समय में ये बिगड़ उगड़ गया था, फिर इसका निर्माण करवाया था अस्कंद गुप्त। तो अस्कंद गुप्त ने लास्ट में लिख दिया, मैं पुनः इसका पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्वार करा रहा है। तो कितने राजा? तीन। उस समय इतनी इंसानियत थी, और आज का मुखिया रहता ना तो ये अभिलेख में तुरवा देता, लिख देता मैं मुखिया चंडाल इसका झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। समझा गया कि नहीं? आगे आजकल का नहीं लिखा मैं चंडाल खान इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, बाकी सबका नाम मिटवा देता। उस समय इंसानियत बहुत ज्यादा थी, आजकल सच रहा इंसानियत है नहीं है। अगला, कितने राजा हो गए? तीन। तीनों के नाम है। किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम? जूनागढ़। दमन द्वीप को कौन अलग करता है? खंभात की खाड़ी। दमन द्वीप को कौन अलग करेगा? इसके बीच में कौन सी शिप सेवा चालू की गई है? रो रो फेरी। रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ, समझ में आ गया ना? सीधे गाड़ी लेके चढ़ जाइए, ऐसे पानी वाली जहाज लगी रहती है बंदरगाह के किनारे, आप ट्रक लाइए और इसमें एक के बार 200-150 ट्रक घुसा दीजिए आराम से। ट्रक नीचे वाले पे, किसी को कार ले जाना है तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे कार रख दीजिए, बाइक है टेम्पू है तो ऊपर वाले पे बाइक टेम्पू, और बाकी लोगों के ऊपर रहने के लिए कमरा बना हुआ है, देखा उतार के लेके चल जाइए, बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? ऐसी ही रो रो फेरी अगर बिहार में हो जाती तो गंगा नदी यहां से यहां तक है,
सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पानी वाला होता है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा ही नहीं होता है। समय ज्यादा भले थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या है कि खर्च नहीं होते हैं। सड़क में क्या है कि जहां तक सड़क जाएगा, गिट्टी बिछाओ, सड़क बनाओ, लाइट लो, टोल प्लाजा लो, कोई कुछ मैं बहुत झमेला है। एयरपोर्ट में तो और झमेला है। सबसे सस्ता कौन सा है? पानी वाला बहुत सस्ता होता है। इतना समझिए कि आप अगर एक ट्रक सामान दिल्ली से पटना अगर फ्लाइट से मंगाते हैं तो कम से कम आपको 4 लाख रुपया लगेगा। एक सामान कितना का गोली मारिए, उसका भाड़ा कितना लगेगा? 4 लाख। लेकिन अगर वही आप ट्रक से मंगाते हैं, जहाज को छोड़कर ट्रक से मंगाते हैं, तो लगता है आपका 70,000 रुपया। उसी को अगर आप ट्रेन से मंगाते हैं तो लगता है केवल 20,000 रुपया, और अगर पानी वाली जहाज से मंगाते तो केवल 8,000 में पहुंचा देता। तो ये महंगाई घट जाती इससे। कितना महंगाई घट जाती है, और लोग महंगाई को नहीं बोलते, प्रधानमंत्री का भी लोग तारीफ करते, लेकिन ये पता नहीं किस दुनिया में है। और अच्छी बात है ना कि अगर जिसके समय महंगाई घटेगी लोग उसी को जय हो करेगा। महंगाई बढ़ जाएगा तो कोई खुश थोड़ी है। कोई खुश है क्या कि पेट्रोल 100 रुपया हो गया? कोई नहीं खुश है, और इवन सरकार भी नहीं खुश है। उसको ही पता है कि हमारा पीछे पड़ जाएगा तो हमको हटा देगा से यहाँ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सस्ता हो जाता है। अगला देखिए, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। कहाँ की? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली तो दिखाई नहीं आप लोग को। वापस आइए आप सूरत के पास। सूरत यहाँ होगा, एक बार में पहुंचने की क्षमता रखे। सूरत और भरोच के पास देखिए, सूरत मिल गया। कहाँ है जी सूरत? रखो हाथ, रखो सूरत पे। इस एरिया में होगा सूरत। सब लोग देखिए, मिल गया सूरत। वहां भरोच होगा। सूरत के पास देखिए, आपको मिला बारदोली। सूरत के पास क्या लिखा? बारदोली। जहां सूरत है उसी के पास कौन जगह है? बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह पे महिलाओं ने क्या किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। सरदार पटेल लौह पुरुष थे भारत के, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। एक छोटे से समाज से उठकर आगे आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की योग्यता की तुलना करेंगे तो इसमें तुलना करने लायक कुछ है ही नहीं है। आंख बंद करके मारिए, सरदार पटेल योग्य थे, लेकिन किस्मत कभी साथ नहीं देती है। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन अंग्रेजों का शासन चल रहा था 1952 तक, जब तक हमारे यहाँ चुनाव ना हो पाए। अंतरिम सरकार थी 1951 में, भारत में पहला चुनाव हुआ था। सुकुमार सेन उस समय चुनाव आयुक्त थे। रिजल्ट आया था 1952 में, क्योंकि ईवीएम मशीन नहीं थी, गिनती में टाइम लग जाता था, चुनाव में भी टाइम लगता था। तो उस समय तक अंतरिम सरकार बनाना था और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और 1950 में आकस्मिक मृत्यु हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे ही नहीं तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे कहां से? चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा सरदार पटेल की सबसे ऊंची उम्र? 182 मीटर है, इसमें है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला, खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र? मंगलयान थोड़े हैं, रानी की बाव। 100, आप उसको 100 बना लेंगे, रानी की बाव हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह? कांडला। अब देखिए, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन हो गया है? कांडला। रीजन क्या है कि इसके अगल बगल में मुक्त व्यापार क्षेत्र हो गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा लग गई है। यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ शर्त रख दिया गया है एक्सपोर्ट करिएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ये सबसे व्यस्त हो गया। इसका नाम क्या बदल के हो गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। वो बंदरगाह में बताएंगे। सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह कहाँ था? लोथल। 24 नंबर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? धौलावीरा। लेकिन बाद में खोज होके पता चला कि राखी गढ़ी है, लेकिन उस समय तक धौलावीरा ही था। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाएंगे? धौलावीरा। नदियों की पहचान करेंगे, कर लेंगे। 3 नंबर कौन सी नदी है? 3 नंबर, 2 को 3 दे दिया है। तो ये पहला जो साबरमती को 1 कर लीजिए। साबरमती को क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। साबरमती को 1 कर लीजिए। देखिए बाबू, कॉपी को नहीं, कलम देखे, इसको सुधारना पड़ेगा ना अगले बैच के लिए। साबरमती को क्या कर देना है? 1। तो साबरमती कितना हो गया? 1। तो 2 नंबर में कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। और 3 नंबर में कौन हो जाएगा? ताप्ती। 3 नंबर में ताप्ती। ये नदी बोलिए तो, साबरमती,
ये नर्मदा, ये ताप्ती, ये बता सकते हैं। माही, महानदी नहीं है, माही, महानदी तो इधर में है, कौन सी नदी है, माही। तो नदियों में तो इसको और डिटेल से बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साबरमती नदी। अगला देखिए, एक नंबर से कौन सा एरिया दिखा रहा है, कच्छ, कच्छ का रण, एक नंबर से क्या हो जाएगा, कच्छ का रण। दो नंबर बताएंगे, सौराष्ट्र। तीन नंबर खंभात की खाड़ी, तीन नंबर खंभात की, चलिए ऑप्शन नंबर, स्थान की पहचान करें, इधर दिया। एक नंबर बताइए तो, यहाँ लिखा हुआ सर क्रीक, कई ठोको तो एक नंबर दिखिए नहीं रहा है, एकदम कोना में लिखा हुआ है सर क्रीक। हो गया एक नंबर सर क्रीक, दो नंबर जामनगर भी हो सकता है, और जामनगर नहीं रहता तो कांडला मार देता, क्योंकि नक्शा में उतना डिस्टेंस चलता है। तीन नंबर में क्या है, सोमनाथ, सोमनाथ नहीं रहता तो पोरबंदर या दीव मार देते, लगभग में चलता है। चार नंबर, चार नंबर खंभात की खाड़ी, कौन सा ही है इसमें, बिहार वाला बी, सरकरी, जामनगर, सोमनाथ, खंभात की खाड़ी। आगे बढ़ जा, अगला राज्य कौन सा आएंगे, उत्तर प्रदेश। भाई देखो कुछ 12 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कि 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग तो पढ़े बट ऑप्शन डिटेल से नहीं पढ़े। उसने कह रहा है कि जीर्णोद्वार यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो दो लोग थे, कौन लोग थे, दो लोग, कौन कौन, रुद्रदामन और अस्कर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दोनों, ठीक है, गुड। कभी देखिए वो एग्जाम में ऐसी गलती बहुत बार हो जाता है कि जल्दबाजी में आदमी क्वेश्चन पढ़ के चला जाता है। अभी आपके सामने गलती हो गया, हालांकि गलती नहीं है, लापरवाही, आदमी ध्यान नहीं दिया ऑप्शन को। तो 12 नंबर का कौन, रुद्रदामन भी सही है, स्कंद को भी, यानी सी सही, दोनों सही है। चलो अब आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश, कौन सा जगह, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश जो जगह है भारत के, भैया इसका पुराना नाम क्या था, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविजन, क्या नाम था, यूनाइटेड, नक्शा छोटा कर देते हैं, केवल उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, आप लोग के पास तो पूरा नक्शा है ना, वो केवल काट के उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है देखने में, इतना ठीक है। अब ठीक है, अगल बगल वाला दिख रहा है, बिहार तक तो दिख ही रहा है, यह ना उत्तर प्रदेश, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, अरे आ ही रहा होगा, ये रहा यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है भाई, जब इसकी जनसंख्या में टक्कर दुनिया के लोग को नहीं ले पाते, रूस आगे है, पाकिस्तान आगे है, अमेरिका आगे है, चीन आगे है, यही चार देश आगे हैं भारत इससे, किसे, उत्तर प्रदेश, बाकी उत्तर प्रदेश के लोग को कोई जनसंख्या में पीछे कर सकता है क्या, 22-23 करोड़ जनसंख्या हो गई, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या, ये जनसंख्या, इसे समझना जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ने के 3-4 कारण है, कई कारण है। पहला तो एक आदमी का मान्यता है कि भैया बच्चे ऊपर वाला देता है, बहुत सारी दवाइयां आती हैं, वो दवाइयां खा लीजिए, उसके बाद कहिए कि ऊपर वाला दे दो, 20-20 रुपए की दवाइयों की ताकत इतनी है कि फिर वहां पे भगवान काम नहीं करेगा, हर चीज क्या बोले हम यहाँ पे, बताओ यार, हद है यहाँ पे, हर चीज ऊपर वाला करता है, तो फिर जब महंगाई पेट्रोल बढ़ती है तो मोदी को काय बोलता है। बोलो ऊपर वाला कर रहा है, हर चीज आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते, एक ये गलत मानसिकता कि भगवान देता है ऊपर वाला। हाँ ये बात जरूर है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो एबॉर्शन
दोनों हिसाब से गलत है, इंसानियत के नाते भी और कानून के नाते भी। लेकिन आपको एबॉर्शन करने को बोल कौन रहा है? आप बच्चे को गर्भ में आने क्यों देते हो? 25 को दवाइयां आती हैं, डेली रेडियो पे प्रचार देते रहता है। तो एक महिलाओं के लिए टेबलेट, कई तो सहेली अगर करके कुछ टेबलेट आते हैं। नॉर्मली इसका जनसंख्या को कंट्रोल करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार का नहीं है। और इसको सबसे ज्यादा झेल कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। और ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश झेल रहा है, पूरा भारत झेल रहा है। आज हमारे देश में अगर 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतनी जनसंख्या की किसी काम का नहीं। आप जनसंख्या क्या चीज होता है आप देखिए। यहाँ पर अगर हम आप लोग को एक एक लड्डू खिलाना चाहेंगे तो हमको कम से कम 4 लाख रुपया, 2 से 3 लाख रुपया लगेगा। सोचो 2 से 3 लाख रुपए में हम आपको केवल लड्डू खिला सकते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या केवल ऑफलाइन वाला। और ऑनलाइन वालों को तो कभी सोच ही नहीं सकते। 12 लाख रुपया, 12 लाख से एक लड्डू कितना का मिल रहा है? 5 रुपया, 12×5=60। 60 लाख रुपया अगर हम खर्चा करेंगे, 60 लाख रुपए, तो अपने ऑनलाइन बच्चे जो 12 लाख पढ़ रहे हैं उन्हें एक एक लड्डू मिलेगा। हमारा कितना जाएगा? जबकि अगर ये 60 लाख रुपए जनसंख्या कम रहती तो अच्छे से घर भोज हो जाता। तो ये पूरे देश की समस्या। तो एक ये मानसिकता गलत है कि जो देता है भगवान देता है, आप कंट्रोल कीजिए। दूसरी समस्या ये है, हंसता क्यों लिए रे? दूसरी समस्या ये है, एक ये खास करके इसमें इस्लाम धर्म वाले का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किस चीज में? देखो किस चीज में, कि भैया संतान ऊपर वाला देता है, वही पालता पोसता है। मत बता भैया, कहा समझाएंगे हम, हमारे बोलते लगेगा। एक ये समस्या, ये जो मानसिकता है ना कि जो देता है भगवान देता है, ये बाकी धर्मों में नहीं है, ये स्पेशली इस्लाम धर्म वालों में है। कि भैया एक आदमी था जान पहचान में, उससे हम पूछे कि शादी हो गया आपका? तो कह रहे हाँ सर शादी तो हमारा बहुत पहले हो गया। तो कितने बाल बच्चे? तो कह रहे 9 गो। हम गिर नाम कैसे याद रखता है गले 9 गो? तो फिलहाल में आदमी स्टाफ नहीं है, जब पूरा बैच 6 गो लड़की पैदा करना पर कर देगा, वो फुली कॉमा देके बढ़ते रहेगा, तब तक फुल स्टॉप नहीं मारेगा जब तक लड़का ना हो जाए। आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? ये सर, और ये अगर वो सोचता है तो ये उसको 100% गलत भी नहीं है। एक गांव की लड़की किस तरह से अपने पैरों पे खड़ी होगी? SSC के भरोसे? SSC वाले तो इन सालों को तो मन करता ना मारी एक तमाचा होश में, उसके भरोसे बैठेगी वो लड़की? नहीं रह सकती वहां पे। रेलवे वालों के भरोसे? BR SSC के भरोसे? 14 में फोन निकाला था, साला अभी तक सोया हुआ है। हाँ, और कहते हैं लोग कि जनसंख्या, आज आप बस इतना प्रमाण दे दीजिए कि कोई लड़की अगर दिल से 2 साल तक पढ़ाई कर लेती है तो उसका जॉब हो जाएगा। हमें एक ये जनसंख्या को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कोई जानता है कि लड़का का जॉब नहीं हो रहेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, घी के लड्डू टेढ़ो भला बोलते हैं ना, कुछ भी करके जिला ले। एक महिला क्या करेगी वहां पे? नहीं। लेकिन इस पे ध्यान नहीं जाता है यहाँ पर। तो एक पुरुष प्रधान का समस्या हमारे देश में बहुत बड़ा। दूसरा, ग्रामीण पृष्ठभूमि। गांव में ना आज भी मेंटेलिटी है कि कम से कम तो 4 गो चलेगा। गांव में ये मेंटेलिटी है कि आज भी कितना है? कम से कम 4। और शहर में 2 बहुत है शहर में। तो एक ये मेंटेलिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा कारण क्या चीज हो जाता है? एक और कारण, ये तो 3 ठो गिनवाती। एक और कारण देखिए, शिक्षा और गरीबी। देखिए, गरीब रहेंगे तो अशिक्षा आ जाएगी, स्वाभाविक हो जाती है। कि कोई गरीब व्यक्ति परिवार पालेगा कि पढ़ाएगा बढ़िया से? शिक्षा सस्ती तो है नहीं यहाँ पर। हमको पता है एक एजुकेशन ऑनलाइन में बहुत बड़ा टाइकून कंपनी है, आप नाम नहीं लेंगे, हमको 107 करोड़ रुपए दे रही थी। आप हमारे में आ जाइए, पहले उसने 80 करोड़ दिया, हम नहीं गए। 107 करोड़ रुपया हमको दे रही थी, जबकि जीवन लगा देंगे तो हम 107 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। लेकिन जो हम बच्चों का प्रेम कमा लेंगे वो 107 करोड़ में कोई खरीद ही नहीं सकता है। यहाँ पर हमको, हम 200 रुपया में पढ़ाएंगे हम खुश हैं, उतना ही में हम खुश है। लेकिन हमको पता है कि कोई अगर हमको इतना करोड़ रुपया दे रहा है तो फिर लड़कों से कितना लेगा? और कहते हैं कि सर आप लड़कों से बोलिए ना कि हम 10,000 रुपया लेंगे, वो देगा। शुरुआत में 2 महीना 1 महीना कहेगा बहुत महंगा है, बहुत महंगा, फिर जाएगा कहाँ वहां पे। तो एक ये देखिए कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। तो जो व्यक्ति गरीब है वो ज्यादा शिक्षा नहीं दे पाता है। तो आप देखिएगा सेम जाति के लोगों को देखिएगा, सेम जाति के, आप सेम धर्म का देख लीजिए। इस मतलब एक तरह का मुस्लिम में ही हम देख लेते हैं, जनसंख्या में ये सबसे ज्यादा टारगेट पे रहते हैं। एक मुस्लिम का कम्युनिटी है ए, एक मुस्लिम का कम्युनिटी है बी। ये शहर है ए,
बी शहर, ये शहर है ए शहर, यहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, दोनों की जाति भी सेम है, बट यहाँ वाला एरिया जो है ना ये गरीब है और यहाँ पर जो शिक्षा है ये भी बहुत ही कम है यहाँ, और ये वाले जो मुस्लिम है ये क्या है अमीर है और यहाँ पर शिक्षा भी ज्यादा है। आपने ना ए शहर को देखा है ना बी शहर को देखा है, हमने आपके सामने दो कंडीशन रखे हैं, बताइए जनसंख्या कहाँ ज्यादा होगी, कैसे बता दिए, ये रियलिटी है। और अगर आप यहाँ मुस्लिम काट के अगर आप हिंदू भी रखते हैं, मुस्लिम काट के अगर आप हिंदू भी रखते हैं तो रिजल्ट सेम होगा, जनसंख्या कहाँ जाते देखने को मिल जाए वहां पे मिल जाए। तो ये जनसंख्या का जड़ है, यहां तक में आती है जनसंख्या, शिक्षा दूसरा देखते हैं हम, जाति के हिसाब से हटा दिए ठीक है। अब हम चलते हैं इसके, एक ये शहर है ए और एक है बी, हमने यहाँ किसी जाति को नहीं रखा ना ही किसी धर्म को रखा, हम इसको कहते हैं कि ये जो जगह है ये गांव वाला एरिया है और ये जो ये है शहर है। बताइए जनसंख्या कहाँ जाते हो, तो जनसंख्या का कोई एक कारण नहीं है भैया, मल्टीपल कारण है, इसलिए सरकार पगला जाती है, सोचा कंट्रोल कहां से करे। दुनिया में हर चीज को मारने के अलग अलग हथियार है, हर चीज को मारने के अलग अलग हथियार है, जहां बंदूक काम आएगा वहां बम नहीं आएगा, जहां लड़ाकू जहाज काम आएगा वहां हेलीकॉप्टर काम नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के हर चीज को हराने के लिए केवल और केवल एक ही हथियार बना है, वो है शिक्षा। ये दुनिया के किसी भी चीज को हरा सकता है अगर शिक्षा रहेगा तब, लेकिन फिर हार थक के समस्या वही आ जाती है, इतना ना जनसंख्या है कि शिक्षा दे कैसे, बहुत ज्यादा। हाँ ऑनलाइन सही बोला है, ऑनलाइन, इसमें अंबानी यानी जियो का बहुत बड़ा योगदान है, जियो का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक और जनसंख्या है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है, एक और बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या के जिसपे लोग ध्यान नहीं देता है, एक जनरेशन का डिफरेंस, जिसकी शादी 1960 के आसपास में हुई थी, 1960 से 70 के आस में, यानी ये आपके दादाजी का एज है, ये दादाजी की एज की बात कर रहे हैं, जिनकी शादी 1960 के 70 के दशक में थी, ये आपके दादाजी इसी एज में होंगे, इसी एज में शादी किए होंगे, मेरे दादाजी की शादी 1956 में हुई थी, आप लोग के दादाजी की भी शादी इसी एज में हुई होगी ठीक है। इस समय में जो बच्चे थे वो एवरेज हुआ करते थे 5 से 7, मेरे दादाजी के 7 बच्चे, मेरे नाना जी के भी 7, मेरे चाची जो थी चाची वो भी 7 भाई बहन, मतलब सब 7-7 में था। आप में भी अगर देखेंगे तो आपके दादाजी के जो जनरेशन के लोग होंगे उनमें इसी एवरेज में बच्चे होंगे लोग होंगे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया, इसके बाद जो अगला जनरेशन आया, अगर आप इसमें जनसंख्या देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन, ये वाला जनरेशन जिसकी शादी मान के चलिए यहां शादी ब्याह किए, तो इसके बाद जो इनके बाल बच्चे होंगे 25-30 साल बाद ना होगा, तो मान के चलिए ये हो गया 1980 से 90 का दशक, नहीं 90 का दशक, 1990 वाला दशक, तो इसमें आपके पिताजी हो जाएंगे, इस एज में आपके पिताजी आ जाएंगे, आपके पिताजी की भी शादी 1990-95 इसी के लगभग में हुई होगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी जाति धर्म या कैसे भी होंगे, थोड़ा भी शिक्षित होंगे ना, तो ये वाला एरिया घट के 3 से 4 पे निपट जाएगा। ये वाला जनरेशन जो था इनके बच्चे कितने थे, 3 से 4। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन जो अब आएगा 2015 वाला, यानी 2015 से 2020 वाले लोग का कहना है कि भैया बहुत है, 2 से 3 बहुत है, 2 से 3 बहुत है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखने बैठते हैं तो जब वहां आपको क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या पर अपने वाक्य लिखिए, तो लिख के चल आएंगे उल्टा सीधा तो नहीं आएगा, उसको पूरी डिस्क्रिप्शन से समझाना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो भारत की जनसंख्या धीरे 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 ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है, जबकि आप देखेंगे इससे इस पीढ़ी में आने में केवल एक चीज की चेंजिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि गरीबी खत्म हो गई, लेकिन एक चीज हुआ है कि शिक्षा का लेवल बढ़ा है, आज हर व्यक्ति किधर की ओर जाना चाह रहा है, शिक्षा की ओर में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आते हैं अपने मेन जनसंख्या छोड़ के टॉपिक उत्तर प्रदेश पर, बहुत ही भयानक जनसंख्या है उत्तर, जनसंख्या समझ में आ गया, अब आते हैं किस पर, उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ जाए। जनसंख्या बढ़ाने में थोड़ा सा महिला सबका भी हाथ है, अरे भाई हम आपको बताते हैं भारत में कम से कम करोड़ों ऐसे बच्चे हो गए हैं जिनको उसकी माँ को पता चला 4th महीना में, जा हम लोड हो गए लोग, अजब हाल है भाई, थोड़ा पता न चला है। सुनो हमारा एक दोस्त है, तुम सीधा बात बोल देते हैं तुम लोग को डायरेक्ट समझ में, मेरा एक दोस्त है,
उसने शादी किया 2014 में, उसके तीन बच्चे थे, तीन बच्चे। उसने कहा कि भाई बहुत है तीन बच्चे। अभी उसको कल फोन किए, कह रहा है कि दिक्कत हो गया यार, अब का चौथा का नंबर लग गया। हमके जब तोरा तीन कन्फर्म था तो सोच रहा तोरा सिजेरियन ऑपरेशन करा लेता, काम खत्म। ना सोच रहा यहाँ पे चौथा, आप कहेंगे ठीक है तो गलती से पांचवा हो जाएगा। चलो यहाँ देखो ऊपर में उत्तर प्रदेश देख लिए, किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर में देखेंगे आपको मिलेगा सहारनपुर, मिल गया सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी भाग में कौन सा मिलेगा? सहारनपुर। सब लोग देखो ध्यान से। हाँ एक और बोल रहा है लड़का, क्या नाम है? शैलेश कुमार। सर जनसंख्या वृद्धि में एक और कारण है, लॉकडाउन। एकदम सही पकड़ा। ये हमको ना शादीशुदा लग रहा है। चलो देखो सहारनपुर मिल गया। सहारनपुर में आपको जगह मिलेगा देवबंद। ऊपर में देखें सहारनपुर के बाद जगह मिलेगा देवबंद। मिल गया? नहीं मिला जी देवबंद, थोड़ा सा पास में मिलेगा। तो सहारनपुर के पास जगह है। क्या हो गया जी? आवाज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी के दिन में मैको सबसे पगला जाता है। तो सहारनपुर के पास जगह मिलेगा बाग में देवबंद। देवबंद में मुस्लिम लोग का बहुत बड़ा मदरसा है। क्या है? बहुत बड़ा मदरसा है। मदरसा मतलब समझते हैं, उर्दू पढ़ाया जाता है वहां पर, 5 रुपया फीस लगता है। अरे तो कितना शिक्षा मिलता है वहां, कह रहा है 5 रुपया का। 5 रुपया फीस है, 5 रुपया बराबर शिक्षा तो मिलता है। अब तुम जाओगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ₹1,00,000 दोगे तो ₹1,00,000 भी, या पढ़ाई भी होगा वहां पर। कौन मर वहां से साइंटिस्ट लोग निकलता है। बहुत है उतना यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, लेकिन बहुत बड़ा मदरसा है, मतलब उसका नंबरिंग एशिया लेवल पे आता है। बहुत बड़ा मदरसा है वहां। बागपत मिल गया आपको? सॉरी बागपत कर, उसके नीचे मिलेगा आपको बागपत। देखिए उसके नीचे कौन सा जगह है? बागपत। मिल गया बागपत? किसी कोई दिक्कत? बागपत आप रामायण में भी पढ़े होंगे, कोई आइडिया रामायण में? जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी कहाँ जा रहे थे? लंका। तो बीच में कहीं उतरे थे कि नहीं? कहाँ पर? बागपत। यहीं पे उतरे थे एक जगह बस, उसके बाद सीधा कहाँ गए थे? श्रीलंका में गए थे, वहां तीर लग गया था ना, लक्ष्मण जी को तीर लग गया था। संजीवनी बूटी जरूरी थी वरना मृत्यु हो जाती। तो यह जगह यहाँ सहारनपुर के नीचे कौन जगह है? बागपत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बागपत में? बागपत से आप कहाँ है जी? बागपत मिल गया। बागपत का एरिया आप देखेंगे तो वो एरिया जो है दिल्ली के आसपास आ जाएगा। अब उसके नीचे देखेंगे आपको गाजियाबाद मिलेगा। बागपत के नीचे देखिए गाजियाबाद, मेरठ। नहीं मिला? गाजियाबाद मिला? गाजियाबाद के ऊपर पढ़ो मेरठ। नहीं मिला? गाजियाबाद के ऊपर मेरठ। तो बागपत के नीचे मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद। नहीं मिला जी? मेरठ, मेरठ। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरठ दिल्ली के करीब है कि नहीं है? 1857 की क्रांति कहां से शुरू हो गई? कहां से शुरू हो गई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से चालू हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेरठ जो था वो अभी भी क्रिकेट के जो सामान बनते हैं, स्टंप बैट ग्लव्स, ये सब इंटरनेशनल वाले मैच में जो होता है वो यहाँ उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। कहां से? मेरठ से। मेरठ किताबों की पब्लिकेशन के लिए बहुत ज्यादा है, वहां किताब वगैरह काफी ज्यादा छपते हैं, लेखन सामग्री वगैरह जैसे देखते हैं उपकार अरिहंत, ये सब किताबें ज्यादातर मेरठ से छपती है। मेरठ की मशहूर नान खटाई। मुझे तो नान खटाई खानी है। ये जगह मिल गया मेरठ, बट नान खटाई के लिए नहीं। आपको ये जगह याद रखना है कि मेरठ जो था वो सैनिक क्षेत्र के लिए 1857 की क्रांति यहीं हुई थी। बाद में 10 मई को यहाँ हुआ, 11 मई को लोग दिल्ली घुस गए। ये जगह कौन सा भैया? गाजियाबाद। कौन जगह है? गाजियाबाद। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, हिंडन एयरबेस वायुसेना का बहुत बड़ा एयरबेस है। गाजियाबाद मिल गया, वापस आइए मेरठ। आ गए मेरठ, कहाँ है मेरठ? मिल गया मेरठ? मेरे और देखेंगे, ये मेरठ है। मेरठ से जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा रामपुर और मुरादाबाद, जस्ट पूरब में रामपुर और मुरादाबाद। मिला? लोकेशन याद रखेंगे, सबसे क्वेश्चन पूछे कहाँ है रामपुर? रामपुर के बगल में मुरादाबाद, रामपुर और मुरादाबाद, रामपुर और मुरादाबाद। रामपुर का क्या फेमस है? चाकू, रामपुरी चाकू। वो चाकू मर्डर करने वाला है। ये जो घर का चाकू होता है इससे मर्डर नहीं हो पाएगा, घोपेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा।
सब्जी काटने वाला, आदमी काटने वाला कहाँ मिलता है? आदमी काटने वाला राम, सब्जी काटने वाला तो कहीं मिल जाता है। तो चाकुओं के लिए फेमस है रामपुर। इवन आर्मी वगैरह में भी चाकू जो दिया जाता है वो रामपुर से बनता है। यहाँ के लिए एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है चाकू, जो सेना के गोरखा रेजिमेंट को दिया जाता है, जिसे कहते हैं खुखरी। क्या कहते हैं? खुखरी। वो गोरखा रेजिमेंट वालों की फौज का सबसे मुख्य हथियार होता है खुखरी। वो इस टाइप का हथियार रहता है, रखे रहते हैं लोग यहाँ पे, इस टाइप का रहता है वहाँ खुखरी। नेपाली गोरखा सैनिक उन सबका मुख्य हथियार है खुखरी। वहां पर एक गोरखा रेजिमेंट का सैनिक था जो रिटायर हो गया था, वो ट्रेन में बैठ के जा रहा था। तो ट्रेन में कई जब ट्रेन आगे बढ़ी तो सुनसान एरिया था, तो वहां लोग डकैती करने लगे। तो गोरखा रेजिमेंट का था, वो रिटायर हो चुका था, लेकिन वो जितने गोरखा रेजिमेंट वाले होते उनका ये मुख्य हथियार होता है खुखरी। अब वो खुखरी की पूजा करते हैं, इसकी उनको भगवान की तरह खुखरी की पूजा कर। ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में 15-20 गुंडे घुस गए, सब हवाई फायरिंग करने लगे, सब ट्रेन की चैन पुलिंग करके और सबका सामान लूटने लगे। सब बेचारा चुपचाप देख रहा था, इससे भी पर्स वगैरह छीन लिया, से दे दिया, कहा कि भैया पर्स के चक्कर में जान ना देंगे, क्योंकि बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है। लेकिन उसी ट्रेन में एक लड़की बैठी थी, गुंडे सब उससे छेड़खानी करने लगे। सर अब भाई ये ठहरा भारतीय फौज का जवान, एकरा से बर्दाश्त हुआ ना, निकाला खुखरी, अब मार के 17 आदमी को वहीं सुला दिया। अब लोग बंदूक से थे लोग, ये खुखरी का यहाँ भाई कुछ भी देखिए, वो है तो फौजी ही ना, शेर बूढ़ा हो जाएगा तो क्या पंजा मारना छोड़ देगा? हाँ एक सेकंड, ये खुखरी वगैरह किस लिए, कहां पे बनते हैं भैया? रामपुर में, रामपुर के बगल में मुरादाबाद, मिल गया मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए है? हाँ मुरादाबादी बिरयानी, तू लोग खाने के पीछे पड़ा है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए, किसके लिए? पीतल उद्योग। मुरादाबाद किस लिए? पीतल उद्योग। तो पीतल उद्योग मुरादाबाद, चाकू उद्योग 1857 की क्रांति मेरठ, मिल गया। मुरादाबाद के आगे देखेंगे पीलीभीत, मुरादाबाद के ठीक आगे देखें पीलीभीत, आगे बढ़ते जाइए, कौन जगह है? पीलीभीत। कौन जगह है? पीलीभीत। नेपाल से जब पानी आती है ना तो पीलीभीत में पानी लग जाता है, तो जिस जगह पे पानी लग जाता है उसे हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। तो पीलीभीत कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। जैसे बिहार में कोसी क्षेत्र है ना तराई में, वैसे यहाँ पे कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत के पास देखिए बाघ बनाया होगा, लिखा होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा। किस चीज के लिए फेमस है भैया? बाघ के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? बाघ के लिए। कहाँ जी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मिल गया। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिएगा श्रावस्ती। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे श्रावस्ती, मिल गया। दो उंगली आगे बढ़िए ना, यहाँ देखिए मेरी ओर, मेरी ओर देखिए, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं मिला? इसके आगे बढ़ेंगे तो श्रावस्ती, मिल गया श्रावस्ती। किसी को दिक्कत? श्रावस्ती। श्रावस्ती एक महाजनपद की राजधानी थी, कितने लोग बता सकते हैं कौन सी महाजनपद? बताइए कौन सा? कौशल महाजनपद। राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहां बिताया? श्रावस्ती के पास एक बहुत खतरनाक गुंडा था, क्या नाम था? उंगली माल डाकू। कौन था? उंगली माल डाकू। कौन जगह हो गया? श्रावस्ती। आगे जी श्रावस्ती कहां है? श्रावस्ती, मिल गया श्रावस्ती। श्रावस्ती से आप नीचे की ओर बढ़िएगा, श्रावस्ती से नीचे की ओर मिलेगा आपको फैजाबाद और अयोध्या, फैजाबाद और अयोध्या। श्रावस्ती के अंतिम अक्षर से ठीक नीचे, ये श्रावस्ती लिखा है, इससे ठीक नीचे फैजाबाद या अयोध्या, मिल गया। डिस्ट्रिक्ट था फैजाबाद, उसमें जगह कौन थी? अयोध्या। नहीं मिला जी अयोध्या, मिल गया अयोध्या। अयोध्या मिला जी? नहीं मिला जी। अयोध्या के बारे में आप तो सब लोग जानते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या में बहुत लंबा मुकदमा चला था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेके। बाबरी मस्जिद को जमीन दे दी गई 5 एकड़ की, अब वो वहां भी मस्जिद बना रहे हैं, यहाँ ये लोग मंदिर बना रहे हैं। सब लोग खुशहाली से रहो भैया, सर्व संतु सुखिना, सर्व संतु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्ति, माँ का सिद्ध दुख भाग भवे। सब लोग अपने अपने जगह पे खुश रहो। तो अयोध्या मिल गया, वापस आते हैं। अयोध्या के ऊपर श्रावस्ती, अयोध्या के ऊपर श्रावस्ती, श्रावस्ती के बगल में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बगल में मुरादाबाद पीलीभीत, पीलीभीत के बगल में मुरादाबाद रामपुर और मुरादाबाद, उसके इधर मेरठ, मिल गया मेरठ। मेरठ के नीचे गाजियाबाद, कहा है जी गाजियाबाद? आगे गाजियाबाद, गाजियाबाद के नीचे देखें ये जगह, गाजियाबाद दिल्ली से सटा है या नहीं है? गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ,
एनसीआर में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास का एरिया किस में आ जाता है? एनसीआर। दिल्ली के आसपास का एरिया एनसीआर आ गया। एनसीआर में वापस चलेंगे आप लोग गाजियाबाद, गाजियाबाद के ऊपर मेरठ, मेरठ के बगल में रामपुर, मुरादाबाद और रामपुर, वहां पे नीचे देखेंगे बरेली, मुरादाबाद और रामपुर के पास बरेली मिल गया। कहां पे बरेली मिल गया? रामपुर के जस्ट नीचे बरेली, रामपुर के जस्ट नीचे बरेली मिल गया। बरेली यहाँ सेना का एक बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है बरेली। यहाँ पे देखिए बरेली और राय बरेली में आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। बरेली अलग है, बरेली यहाँ पर है, ये सेना का छावनी है बरेली। सेना की छावनी कौन सी है? बरेली। जबकि अयोध्या आइए आप, अयोध्या कहाँ है जी? अयोध्या कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या यहाँ देखिए ये जगह कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या से आप लखनऊ की ओर बढ़ेंगे तो मिलेगा राय बरेली, अमेठी और राय बरेली, अयोध्या और लखनऊ की ओर। लखनऊ बड़े अक्षरों में लिखा होगा। अयोध्या से नीचे देखिए ना कौन सा जगह? राय बरेली। कौन सा जगह है? राय बरेली। नहीं मिला? अयोध्या से थोड़ा सा नीचे राय बरेली, अयोध्या से थोड़ा नीचे राय बरेली। राय बरेली से चुनाव लड़ती है सोनिया गांधी, और वहीं राय बरेली के पास देखिए अमेठी मिल गया। राय बरेली से ऊपर देखिए अमेठी, राय बरेली के ऊपर अमेठी, अमेठी का लखनऊ के पास होगा। अमेठी के पास कौन जगह है? अमेठी से चुनाव कौन लड़ते थे? उनको किसने हरा दिया? स्मृति ईरानी। अमेठी से चुनाव हार गए राहुल गांधी, जाके वायनाड केरल से चुनाव जीते। तो ये अमेठी है, उसके नीचे राय बरेली, राय बरेली से इंदिरा गांधी सोनिया गांधी ये लोग चुनाव लड़ती थी। जबकि बरेली जो है रामपुर के पास है। यहाँ एक बहुत फेमस गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सुने? वो सब दादाजी के जमाने का गाना था, सब मोहम्मद रफी वगैरह का समय था। तो ये जगह कौन सा हो गया? बरेली। वापस आएंगे आप लोग कहां पर? गाजियाबाद। वापस आ जाइए गाजियाबाद। आ गए गाजियाबाद? नहीं गाजियाबाद नहीं आ गया। आ गए गाजियाबाद? लाइव वाले सब लोग आ जाइए। गाजियाबाद आ गए? एक कह रहा है सर झुमका गिरा कैसे? परवीन लड़की का नाम यही पूछ रही है, झुमका गिरा कैसे? झुमका गिरा कैसे? अब पता नहीं उसके पिछवा एक रिपीट मारने वाला होता है, ठोक दिया जाता है उसको, रिपीट समझते हैं? नट नट टाइप का होता है, कोई नट टाइप का ढीला हो गया और गिर गया। गाजियाबाद के नीचे अगर बढ़ेंगे तो अलीगढ़ मिलेगा, मिल गया अलीगढ़। गाजियाबाद के नीचे अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है अलीगढ़। इसका पुराना नाम था अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में जाके ये यूनिवर्सिटी हो गया। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के तीन बड़े यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अलीगढ़ में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये तीन बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है आपका उत्तर प्रदेश में। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं तो भैया बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले ससुरे ऑक्सफोर्ड में भी जाके फेल हो जाते हैं, उनमें कोई नहीं। लेकिन हाँ यहाँ फैकल्टीज अच्छी होती है यहाँ पे अलीगढ़। अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? ताला उद्योग। क्वेश्चन आएगा ताला परियोजना कहाँ पर है, तो आप मार देंगे अलीगढ़, हो जाएगा गलत। ताला परियोजना भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान। ताला परियोजना एक बिजली घर का नाम है, ताला प्रोजेक्ट। ताला प्रोजेक्ट ये कहां पर है? भूटान में है। भारत ने वहां बांध बनाया है बिजली घर के लिए, कहां पर? भूटान में। तो कहेगा ताला परियोजना भूटान, और ताला उद्योग अलीगढ़। ताला उद्योग अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहां पर है? अलीगढ़ में आ गए, किसी को दिक्कत? अलीगढ़ के नीचे देखिए मथुरा, अलीगढ़ के नीचे मथुरा, पहला अक्षर अलीगढ़ के पहला अक्षर के नीचे मथुरा, अलीगढ़ के पहला अक्षर के जस्ट नीचे मथुरा मिल गया। मथुरा कहाँ है जी? मथुरा नहीं मिला, कोना में एकदम होगा मथुरा। अलीगढ़ के कोना में एकदम कौन सा जगह है? मथुरा। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि वृंदावन, मथुरा में। वृंदावन कहाँ है? मथुरा। देखिए वहां वृंदावन मिला कि नहीं मिला? वृंदावन के कृष्ण कन्हैया है कि नहीं? तो देखिए कृष्ण भगवान तो बहुते बहुते उपदेश दिए, दिए कि नहीं दिए? और महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ, जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट के। भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया, नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल में? नहीं मार। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया।
लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो मरने के टाइम पे, तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया, सोना का दांत था तोड़ दिया कर्ण ने, और दिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को जूठा देते हो। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बहुत बलशाली था, तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा, और ब्राह्मण को कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, दीक्षा नहीं मिलती। बेचारा कराहते हुए अपने से कर्ण ने धनुष उठाया था और इंद्रदेव को मारा, बरसा हुआ धूल के दिया था। इसलिए जब तक पृथ्वी कर्ण जैसा महाबली कोई और उतना दानी नहीं होगा, भले जीते अर्जुन थे, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए थे, और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए। कर्ण वह व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना दिया, क्योंकि कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता, कर्ण अगर नहीं मरा रहता तो कौरव जीत जाता, तो कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान दिया था इसलिए कि कर्ण मारा जाए और कौरव हार जाए, वरना वहां पर वो जीत, अगर वो कवच कुंडल नहीं दिया रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता उसको, तो इतना मतलब वहां था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान ने बहुत बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक उपदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसने कृष्ण भगवान जब उसका रथ का चक्का उतर जाता है कर्ण का, तो कृष्ण भगवान से वो कहता है कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए, रथ का चक्के उतरने पे आप मार कर वार कर रहे हैं, और उस व्यक्ति से जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया, उस व्यक्ति से, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, तुम बात मर्यादा की करते हो, पांचाली को वैश्या कहने वाला कौन था, पांचाली को उन्होंने बोला था, वही बात कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो आगे जाके आपकी जान ले सकते हैं, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन जीवन में कभी ऐसा शब्द मत निकालिएगा जिस वजह से आपकी जान, या फिर जान, मर जाना ही, जान नहीं लेना, कभी ऐसी बेइज्जती, कभी ऐसा फंस जाइएगा कि वो शब्द आपको जीने नहीं देगा वहां, और शब्द एक बार निकल गया तो वापस नहीं ले सकते। तो वृंदावन में जाइएगा तो बड़ी बड़ी कथा होती है वहां पर, सुनिएगा तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, मन लगता है बहुत, कभी जाइएगा सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछेगा वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, वृंदावन गार्डन कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में है, कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में, कहाँ में, वृंदावन कहाँ है, मथुरा में, वृंदावन मथुरा, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन कर्नाटक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, वहां पे आप जाएंगे तो बड़ा बड़ा महापुरुष सब आके बड़ी बड़ी वहां पे वृंदावन में कथा होती है, सुनते रहते, याद रहेगा आप लोग को, वृंदावन कहाँ पे जी, मथुरा, मथुरा के जसनी से फतेहपुर सिकरी मिला, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था अकबर, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया अकबर, लेकिन वो राजधानी बाद में चेंज करना पड़ा, एक तो वो कनेक्टिविटी कम हो गई थी, दूसरा वो राजस्थान से सट जाता है, देखिए सट जाता है राजस्थान, पानी की सबसे बड़ी समस्या हो गई, तो फतेहपुर सिकरी से उसे राजधानी चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो मुख्य मार्ग से कट गया था और पानी की वहां पे बहुत ज्यादा किल्लत थी, इसलिए वापस राजधानी आगरा लानी गई, फिर शाहजहां ने आगरा से राजधानी कहां लेके चला गया, दिल्ली, वहां बगल में देखिए आगरा मिलेगा, जस्ट बगल में कौन जगह है, आगरा, कौन जगह है, आगरा, ताजमहल कहां पर, आगरा का पेठा भी बहुत मस्जिद है, ताजमहल, ताजमहल वगैरह आगरा में, ये प्रदूषण के वजह से ताजमहल जो हरा है तो वो किस कलर का हो रहा है, पीला पड़ रहा है, हल्का सा पीला पड़ रहा है, वहां पे मथुरा में जो है ना, मथुरा में तेल शोधन कारखाना बना दिया गया, ऑयल रिफाइनरी, उस रिफाइनरी से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और वो धुआं से ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, सोच रहा है, ताजमहल हमारे लिए विश्व धरोहर है, विदेश से लोग क्या करते हैं, घूमने आते हैं ताजमहल वगैरह, हाँ तो साफ होने से मतलब गंदा करो साफ करो दिक्कत ना हो जाता है, धरोहर को उसी तरह से रखना जरूरी होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत है, चलिए समझ में आ गया, लाइव वाले को कोई दिक्कत नहीं, अब एक सूचना सुनिएगा, सूचना ये है कि कल सारे बैच चलेंगे, केवल ये वाला जो बैच है मैप, कल ये बैच सस्पेंड रहेगा, ठीक है, कल हमको एक जगह मीटिंग में जानी है, और नहीं पटना में ही है बट बहुत हाई लेवल का मीटिंग है, उसे हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते सीधे मंत्रालय वगैरह से, बाकी सारे कहा, हिस्ट्री का एडमिशन, लाइव वाले लोग हिस्ट्री का एडमिशन अभी नहीं लिया है सब, कितना लड़कों को लेकर, सर्वर बैठ जाएगा, थोड़ा सा चालू कर देंगे आज हम,
चलो भैया निकलिए आप लोग, कल हिस्ट कल लाइव।